हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन क्या है और इसे यूज़ करके आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। पहली बात, वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका आईपी एड्रेस हाइड करके अलग आईपी एड्रेस दे देता है। इसे आप वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप कभी भी ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि आप किसी भी वेबसाइट को खोल नहीं सक रहे हैं, मतलब वेबसाइट ब्लॉक करके रखा है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, जैसे टॉरेंट वेबसाइट्स। आप लोग जानते ही है कि टॉरेंट वेबसाइट्स इंडिया में ब्लॉक्ड है, तो उसको एक्सेस करने के लिए कभी कभी आपको वीपीएन यूज करना पड़ सकता है। तो वीपीएन, और मैं पहले एक वीडियो में आपको बता ही दिया था कि क्रोम एक्सटेंशन कितना यूजफुल है, क्योंकि इसमें भी आप वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन में, नहीं तो आपको वीपीएन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है एक पीसी में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे चेंज होता है वीपीएन में। तो मैं देखता हूँ मेरा आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट इज माई आईपी। हम लोग अगर सर्च करते हैं तो हम लोग का आईपी एड्रेस निकल जाता है। देखिए, ये मेरा आईपी है। अभी मैं अगर वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट हो चुका है, और इसको हम लोग रिलोड करते हैं। देखिए, मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है, यानी वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ने मुझे एक नया आईपी एड्रेस दिया है और मेरा जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो हाइड हो चुका है, और आईएसपी को पता ही नहीं चलेगा जब मैं एक्सेस करूंगा किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को, और मुझे एक्सेस मिल जाएगा ब्लॉक वेबसाइट को का। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, एक वेबसाइट है अनब्लॉक इट, ठीक है। अगर आप अनब्लॉक इट को खोलना ले जाओ, देखिए ये नहीं खोल रहा है, जितना बार भी मैं रीलोड दबाऊं ये नहीं खोलता है। लेकिन मैं जब वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ, देखिए मैं कनेक्ट कर लिया, अभी मैं इसको एक बार रीलोड में क्लिक किया, देखिए अनब्लॉक इट खोल चुका है। इसी तरह से आप वीपीएन यूज कर सकते हैं वीपीएन, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वीपीएन सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करके क्रोम एक्सटेंशन यूज करें वीपीएन का। और मैं एक वीडियो बना ही चुका हूँ, वो आप देख के कर सकते हैं। तो और ये क्या है, और जब आप वीपीएन यूज करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस आपका आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप इंटरनेट लिए हो, जैसे है एयरटेल हो गया या जियो हो गया, वो आपका आईपी ट्रैक नहीं कर पाते हैं, और वो वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको एक नया आईपी दे देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो को कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे। और मैं ये जेनमेट वीपीएन का लिंक एक्सटेंशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू।